मेरा नाम कवलजीत सिंह, पंजाब होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 134 जो कि साड़ी रजिस्टर्ड है, तो जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाई सी उदो सलामदीन जी सी प्रधान, वो मेरे नाल खड़े हैं। साडा एका हुण भी उस तरह ही बरकरार हैगा। असी सीएम साहब नू भी दो तीन बार मिल चुके, चीमा साहब नू तां असी पता ही नहीं किन्नी बार मिल चुके, वो सानू यही कह देंदे आ भी तुहाडा काम कर रहे हां। सारे मुलाजम जथेबंदियां नू पे कमीशन रिपोर्ट दे चुके हैं, जो कि पे कमीशन का जिहड़ा पार्ट है, मान योग सुप्रीम कोर्ट जी ने सानू डीए पे ग्रेड ते बेसिक दिती सी। साडा डीए भी हुण एक साल तो बंद किया होया। असी चीमा साहब नू कई बार मैं रिक्वेस्ट भी कर ली भी साडा कर दो, उन्होंने कहा सी 15 अगस्त तक तुहाडा ऐलान कर दांगे। फाइल पूरी कंप्लीट हो के गुरप्रीत मैडम सप्रा कोल फाइल पई है, असी अज इत्थे यही इकट्ठ किया। इकट्ठ दे विच असी दस रहे हां भी जे 15 दिन दे विच ये साडा पे कमीशन दा जो साडा हैगा नहीं देंदे, तां उस तों बाद असी रणनीति नाल पंजाब दे विच किथे भी कॉल करके असी सारे मैंबर जिन्ने भी पंजाब दे विच 11,000 कुछ जिहड़े साडे जवान हैगे हन, वो एक मंच ते इकट्ठे हो के जो रणनीति करनगे उहदे वास्ते असी हर पक्षों तैयार हांगे, क्योंकि सरकार ने हुण तक साडे बारे कुछ नहीं चुक्या। साल दा सारयां नूं पे कमीशन मिल चुक्या, जो कि आ होमगार्ड दे जवान जिहड़े इन्ने देखो इहनां दे मजूसी पाई होई है। एक असी सरकार अगे होर रिक्वेस्ट करदे हां, रिटायरीए साढ़े 4.5 साल हो गए सोलखियां टोल प्लाजे ते मुमताज की तरह जिंदगी कट रहे ने, ना उत्थे कोई रोटी पानी, ना प्रशासन वालों कोई दवाई। 4.5 साल हो गए अपने बच्चों के मूँह कन्नी नूं देखदिआं नूं, बच्चे भी उन्होंने कितों कुछ रोटी देणगे, जां सरकार ने कोई माण पत्ता जां पेंशन नहीं दित्ती। वह फाइल भी मैडम सप्रा कोल पई है। असी यह भी बेनती करांगे पंजाब सरकार नूं भी साढ़े जिहड़े रिटायरीए सोलखियां टोल प्लाजा ते बैठे हैं, उन्होंने जल्दी तो जल्दी उत्थों उठाया जाए। 4.5 साल बहुत होंगे, उत्थे साढ़े 7 जवान साढ़े नाल दे शहीद हो चुके हैं। सानू फिर बड़ा फख्र होंदा वी साढ़े जवान शहीद 7 होने तो बाद भी हले भी उत्थे जवान बैठे हैं। सरकार अगे यही गुजारिश है, यही बेनती है, पूरा जीर हाथ बन के यही बेनती करते हैं, ये मेरे पंजाब होमगार्ड के जवानों के मुँह कन्नी देख लैन, जे 15 दिन के विच फिर नहीं किया। मेरा नाम बलविंदर सिंह जी, प्रधान जिला पटियाला तो जी। अज ना साडी सारे पंजाब दी साढ़े साबका प्रधान कमल जी सलामदीन जी ते कमल जी जी साडा सारा एका होया जी, जे 15 दिन दे विच सरकार नूं अल्टीमेट दिता जी, जे सरकार ना साढ़े कम किते पे कमीशन ते रिटायरियां दी पेंशन, ते असी 11,000 मुलाजम जी, 11,000 मुलाजम लेडीज़ ते 11,000 मुलाजम दे बच्चे सारे सड़क ते उतरांगे जी, असी किसे टाइम भी सड़क ते उतर सकदे हां, ते इहदा जिम्मेवार पंजाब सरकार होगी, क्योंकि सारे पंजाब नूं पे कमीशन की रिपोर्ट मिल चुकी है, सारे मुलाजमान नूं मिल चुकी है। ये कह गल्लां करदे आ भी भगत सिंह दी, भगत सिंह दा सारयां नूं इक लैके तुरिया सीगा, इह सरकार ने सानूं गरीबां नूं नहीं दित्ता, जिन्हां नूं लख लख रुपये तनखा उन्हां नूं देता, साडे मुलाजमान नूं मायूसी पाई आ। 4.5 साल हो गए साडे रिटायरियां नूं धुप्प च गर्मी च टेंट च बैठे बेचारे बजुर्ग, उन्होंने घर आराम करने की टाइम आ, वो बेचारे सड़क ते रुल रहे, धक्के खा रहे, सरकार नूं दिखदा नहीं, सरकार नूं सब पता, सरकारां सब पता भी ये बंदे बहुत दुखी आ। हुण असी साडे मुलाजमान ने सानूं कहा भी तुसीं बीके वे सरकार अगे प्रधानां नूं भी अज असी अपने मुलाजमान दे नाल आ, जो साडे मुलाजम सानूं हुक्म करनगे असी उह करन नूं तैयार आ। साडा 11,000 मुलाजमान, फिर दुबारे कहिंदा 11,000 लेडीज़ ते 11,000 दे अगे 4-4 बच्चे, 3-3 असी सारे रोड ते आवांगे जे सरकार नहीं। वलंटियर कोई नहीं जी, सरकार ने सानूं आइडेंटी कार्ड दिखाओ भी मैंबर बनाता, असी मैंबर हाँ, वलंटियर नहीं रहे, हुण दिखाओ आइडेंटी कार्ड जी, दो आइडेंटी कार्ड नहीं वलंटियर मैंबर बनाया जी, मैंबर मैं तुहानूं दस्सूं मेरे मेरी मित्र दिओ जी, तुसीं गल असी सानूं पंजाब दा मैंबर बनाया जी, गार्ड तो पहले असी वलंटियर सीगे, हुण इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्हां वास्ते जिहड़ी अपनी आंगनवाड़ी वालियां जिहड़ा मैंबर आ उन्हूं सारे हक EPF मिल गया उन्हां नूं, ते जिहड़ा मैंबर उन्हूं मिलदे आ वलंटियर नूं नहीं मिलदे जी। असी इन्हां नूं मैंबर मन्निया सी, उह वी सत्कार कर लिया भी असी जे मैंबर हाँ तां सानूं जिवें साडा EPF GPF कट रहा उन्हां दा आंगनवाड़ी वालिआं दा कट्टिआ उही सानूं मिल जाणा चाहीदा। इन्हां ने सरकार ने सानूं मैंबर मन्निया सी, मैंबर दी मंजूर आ सानूं, जिवें उन्हां नूं आंगनवाड़ी वालिआं ने सुप्रीम कोर्ट दा फैसला मुताबिक उह कर देण, सानूं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। असी साढ़े सलामदीन जी साबका प्रधान है जी, इन्हां ने सानूं बहुत मेहनत की है जी, ये साढ़े नाल मौजूद ने, असी पहला अड्ड सी, असी कट्ठे हाँ सारे। एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 134, मैं सलामदीन साबका प्रधान
पंजाब होमगार्ड वेलफेयर एसोसीएशन रजिस्टर नंबर 134 का सबका प्रधान सरदार बलविंदर सिंह प्रधान जिले ने मैनू कॉल की भी असी मीटिंग रख रहे हैं जिले की, पर इन्होंने जिले की रखी। मैं सारे पंजाब नूं बेनती की जवानों भी ये पंजाब की सूबा कमेटी मीटिंग की जाऊगी। ये सूबा कमेटी मीटिंग की गई, साढ़े पंजाब के प्रधान कमलजीत भी मेरे नाल खड़े हैं। बहुत वधिया साड़ी मीटिंग हुई है जिहड़ी कि असी 5 मई नूं सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब दे नाल मीटिंग की। उन्हां दे विच होम सैकटरी साहब, चीफ सैकटरी साहब, सारे ही गृह विभाग डी जी पी बी के भांबरा साहब नाल बैठे सन, जिहदा कि कहा सुप्रीम कोर्ट ने बराबर ड्यूटी बराबर तनखा भी साड़ी लागू की जाए। उस टाइम भांबरा साहब जी ने भी यह बेनती की मुख्यमंत्री नूं, चीफ सैकटरी साहब नूं भी यह जी इन्हां दी जायज़ मंग है भी इन्हां दी पूरी की जाए। भांबरा साहब भी बोले सानू अपने विच पुलिस अफसरां ते बहुत विश्वास है जिहड़े कि साडे नाल खड़े ने। असीं भी पुलिस दे नाल थाने चौंकियां च दिन रात 24 घंटे ड्यूटियां करदे हां। असीं भी यही पुलिस नूं बेनती करदे हां, जां तुहाडे नाल दिन रात असीं 24 घंटे ड्यूटियां करदे हां। साडा जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट ने फैसला दिता है बराबर ड्यूटी बराबर तनखा, वह साडा हजे तक लागू नहीं होया। 6वां पे स्केल नहीं लागू होया, बस किराया नहीं लागू होया, डॉक्टरी सहूलत नहीं मिली। जिहड़े जवान मरे ने उन्हां दे बच्चे 2007 तो पहलां दे नहीं हजे लगे, 2007 तो बाद लगे ने। जिहड़े जवान नूं 2-3 दिन की एबसेंट 2007 तो पहलां कढ़े ने, वह भी हजे जवान नहीं लगे। मैं मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, सारी कैबिनेट मंत्री साहबां नूं बेनती करदा भी अज्ज साडी वेलफेयर की मीटिंग सूबा कमेटी और जिला पद्धरी मीटिंग हुई आ पटियाले जिले के, अगर जे साडा 15 दिन के ना मसला हल होया तो जिहड़ा भी जवान साडे सारे थाने चौंकियां गारदां ते सानू हुक्म लाउणगे भी सड़कां ते आ जाओ, असीं बच्चियां समेत सड़कां ते आवांगे। धन्यवाद।